Namaskar, I am Dr. Pranay Gourav. I am a consultant laparoscopic and GI surgeon at Narayana Multispecialty Hospital, Barasat. We are here to discuss about laparoscopic hernia surgeries. बहुत छोटे में हर्निया क्या है? हर्निया एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमारे बॉडी के अंदर के जो पार्ट्स हैं, जो इंटेस्टाइनल पार्ट्स हैं या अदर फैट्स हैं, वो किसी एक डिफेक्ट के थ्रू, इसके एब्डोमिनल वॉल के डिफेक्ट के थ्रू बाहर आ जाते हैं और इसका कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है। अगर आपको हर्निया है तो इट मस्ट बी ट्रीटेड बाई सर्जरी। पहले इसकी सर्जरी सिर्फ ओपन अवेलेबल होती थी, पर आज की डेट में हम लोग लैप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर भी करते हैं और ये भी अब धीरे धीरे सब जगह अवेलेबल हो रहा है। लैप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर में हम लोगों को लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के सभी फ़ायदे मिल जाते हैं और जो जो हर्निया हम लोग ओपन में कर सकते हैं, ऑलमोस्ट वो सारे हर्निया हम लोग लैप्रोस्कोपी के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर हम हर्निया को देखें तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो हमारे एब्डोमिनल वॉल में हो रहे हैं सामने से, जिसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रल हर्निया, जो नाभि के पास होता है या और भी जगह पे हो सकता है, और एक जो हम लोग के इंग्वाइनल रीजन में, मतलब एब्डोमेन के लोअर मोस्ट पार्ट में, जहाँ हम लोग के पैर का लोअर मोस्ट पार्ट में, जहाँ पर जिसको हम लोग इंग्वाइनल रीजन बोलते हैं, वहाँ पर हर्निया होता है। इंग्वाइनल हर्निया फीमेल्स में बहुत ही रेयर होता है, ये मेल्स में ही कॉमन है और ये दोनों साइड हो सकता है, जबकि वेंट्रल हर्निया, खासकर जो नाभि के पास अम्बिलाइकल हर्निया जो बोलते हैं, वो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। और लेकिन आज की डेट में इन दोनों टाइप के हर्नियाज का ऑपरेशन लैप्रोस्कोपी से पॉसिबल है। लैप्रोस्कोपिक हर्नियाज में सबसे बड़ी बात जो होती है, टेक्निकल बात जो होती है, वो ये होती है इसको सीखने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, लेकिन जैसे जैसे लैप्रोस्कोपिक हर्निया के केसेस बढ़ रहे हैं, लोग इसको सीख रहे हैं और हर जगह आपके आसपास के सेंटर में भी धीरे धीरे ये अवेलेबल हो रहा है। ये एक बिल्कुल ही सेफ प्रोसीजर है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती है, आपको लैप्रोस्कोपी के सभी फ़ायदे मिलते हैं। और जो हर्निया का सबसे बड़ा डर होता है कि ये वापस ना आए, फिर से रिकर ना करे, तो आपको ये जानना चाहिए कि लैप्रोस्कोपी हर्निया हो या ओपन हर्निया हो, रिकरेंस के चांसेस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। किसी भी हर्निया में ही कभी ज़ीरो नहीं होता और लैप्रोस्कोपी में चांसेस उतने ही होते हैं जितने ओपन सर्जरीज में होते हैं। सो यू कैन सेफली गो फॉर लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी एंड यू कैन ऑप्ट फॉर लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी एंड अवेल ऑल द बेनिफिट्स ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी।